सरकारें आ रही है, सरकारें जा रही है, विधायक आते हैं, नेता आते हैं, इनके पास वोट के दौरान आते हैं, तरह तरह के आश्वासन देते हैं, कई तरह के वादे करते हैं, कई तरह की गारंटियां करते हैं, लेकिन जब सत्ता पर आते हैं तो शायद वो वादे वो गारंटियां कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। और यही यहाँ पर SNC शिक्षकों का कहना है कि जब सुख की सरकार है तो फिर हमारे लिए हम यहाँ पर दुख जो है वो क्यों भोग रहे हैं। जब सुख की सरकार है और कर्मचारियों के लिए जो है वो हित के निर्णय यहाँ पर सुख सरकार ले रही है, चाहे वो सुख आश्रय योजना हो, निर आरक्षित यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई जो है योजनाएं यहाँ पर लाई है, लेकिन हमारे साथ ही जो है वो सौतेला व्यवहार प्रदेश सरकार क्यों कर रही है, आपसे भी बिल्कुल जानना चाहेंगे। पूरे SMC जो जानते हैं कि हम जो है वो 27 जनवरी से यहाँ पर अनशन पर हैं, और जब हमने 8 तारीख को पेंडाउन स्ट्राइक की घोषणा की थी तो उस समय डायरेक्टर महोदय ने हमारे से मुलाकात करी, और उसके बाद माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे कार्यकारिणी को बुलाया, तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि हम जो है वो आपके लिए जो पॉलिसी है वो बना रहे हैं, डिपार्टमेंट से सभी प्रकार के प्रपोजल जा चुके हैं और अब फाइनल मोहर जो है वो कैबिनेट की लगनी है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये गुहार करना चाहते हैं, क्योंकि जब 3 अक्टूबर को हम उनसे मिले थे सेक्रेटरी के बाहर, लेकिन उसके ऊपर अभी तक निर्णय जो है वो क्यों नहीं हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जब आपके कहे हुए वचनों के अनुसार हम आज भी आपसे मिलने आए हैं, हम कोई सरकार के विरोध करने के लिए नहीं आए, हम अध्यापक हैं, हम सरकार का विरोध करने नहीं आए, हम आपकी कही हुई बात को आपको याद दिलाने आए हैं कि आपने कहा था सचिवालय में हमसे कि अगर सब कमेटी जो है वो जो भी रिकमेंडेशन देगी उसके ऊपर मैं मोहर लगाऊंगा, हम उस मोहर का वेट कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज हम जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैडम जी, कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि हमारा जो देश का भविष्य है वो युवाओं पर निर्भर है, बच्चों पर निर्भर है, लेकिन आज बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वजह सिर्फ यही है कि पेंडाउन स्ट्राइक जो है वो SMC शिक्षकों ने कर रखी है, और कई हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में ये लोग सेवाएं दे रहे हैं, बावजूद इसके इनके साथ सौतेला व्यवहार यहाँ पर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। बड़ा लंबा संघर्ष आप लोग कर रहे हैं, 12-13 सालों से आपकी ये मांग जारी है, हर बार आश्वासन मिल रहा है, मंत्री आ रहे हैं, सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, आश्वासन पे आप लोग टिके हुए हैं। अब आगामी रणनीति किस तरीके से आप लोग बनाने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के लगभग 2500 यहाँ पर शिक्षक जो है वो बताए जा रहे हैं, आगामी समय लोकसभा चुनावों का है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हम लगातार जो है पिछले 24 दिन से क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। आज तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री, विधायक जो है एक रवि ठाकुर जी को छोड़ करके, इसके लिए मैं 2555 SMC अध्यापकों का धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उसके पश्चात ऐसी क्या मजबूरी रही है सरकार की, क्यों हमारे बीच में नहीं आना चाहते, ये बड़ी शोचनीय विषय है। तो पिछले जब कमेटी 14 तारीख को बैठक होती है, माननीय शिक्षा मंत्री जी 12 तारीख को हमारे को अपने पास बुलाते हैं, तो उस समय भी शिक्षा मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि आपकी मांग क्या है। मैंने कहा सर, मांग एक ही है, वो है नियमितकरण की, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारी मांग को जो है जो 7 तारीख की जो सब कमेटी की बैठक हुई है उसमें आपने हमारे लिए कोई ना कोई अच्छा ही सोचा होगा, और जो भी हमारी मांग है उसको पूरा किया होगा। लेकिन हमारे विपरीत जो इस प्रकार का कोई फैसला सामने नहीं आया है, ना शिक्षा मंत्री जी, जब उन्होंने वादा भी किया था मैं क्रमिक अनशन स्थल पर आपके बीच आऊँगा, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी वो शिक्षा मंत्री जानते हैं, मुख्यमंत्री जानते हैं और मंत्रिमंडल जानता है। तो हमने इसके उपरांत जो है तुरंत 8 तारीख से पेंडाउन स्ट्राइक का, उसके पश्चात जब बात नहीं बनी फिर अनिश्चितकालीन जो स्कूलों का बहिष्कार है, आज आप देख रहे होंगे हार्ड और ट्राइबल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 200-250 स्कूल ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रभावित होने का वजह क्या है, आप देख रहे हैं सभी अध्यापक सड़कों पे मैडम वही आता है जो मजबूर होता है, सड़कों पे वही सोते हैं जो मजबूर होता है। अगर सुखी होते 2500 SMC अध्यापक तो सड़कों पे सोने की और सड़कों पे बैठने की और सरकार के खिलाफ जाने की नौबत नहीं आती है। अब मजबूर हो चुके हैं, मजबूर इसलिए हुए हैं कि 12 वर्ष हो गए मान्यवर, 12 वर्ष का लंबा पीरियड बहुत होता है।
जो गोल्डन पीरियड था वो हमने सरकार को और शिक्षा विभाग को दिया है। शिक्षा विभाग के हमने दोनों डायरेक्टर महोदय को अवगत करवा दिया है कि आज से 19 तारीख से अनिश्चितकालीन तक एसएनसी अध्यापक जो है कलम छोड़ आंदोलन पे हैं और कक्षाओं का पूर्ण तरह से बहिष्कार है। आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक नहीं है, शिक्षक कहाँ होगा? अधिकतर शिक्षक जो है प्लान कर चुके हैं, अधिकतर जो है त्राई क्षेत्र में जो है अपना प्लान कर जाते हैं, तो वहाँ बचते कौन है? जो एसएमसी शिक्षक जो प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। तो मान्यवर शोषण बहुत हो चुका है। अब जो हमारी जो नियमितकरण की मांग है उसको हम उम्मीद करते हैं कि आप आज ही इसमें कोई बड़ा कदम उठाएंगे और 2500 एसएमसी अध्यापकों को जो है कोई तोहफा देंगे। अध्यक्ष